फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारा 6 मॉडलर का स्विच बोर्ड है, जिसके अंदर हमारा एक सॉकेट लगा हुआ है और 3 बटन है और एक रेगुलेटर है। इसका हम आपको वायरिंग समझाते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं हमारा ये मेन वायर आया हुआ है, जिसके अंदर अर्थिंग है और ये फेस है और ये हमारा न्यूट्रल का वायर है और ये हमारा वायर इन्वर्टर का है। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो फाइनली हमारे सॉकेट के अंदर देख सकते हैं 3 टर्मिनल है, जो कि एक टर्मिनल ये हमारा अर्थिंग का टर्मिनल है। अर्थिंग का वायर यानी ये बोर्ड में जितना भी अर्थिंग का ग्रीन कलर का वायर है उसको हम एक में ज्वाइंट मार के अर्थिंग में डाल देंगे और इसके बाद हमारा इसका लूपिंग कर देंगे बटन से। यानी कि ये देख सकते हैं यहाँ से हम लूपिंग करके ये बटन को लूपिंग कर देंगे। हमारा इसमें 3 बटन है, 3 बटन को हमको 2 बटन को लाइट पे देना है। यानी कि हमारा जो ब्लू कलर का वायर देख रहे हैं हमारा फेस वायर है, तो हमको नीचे वाला जो टर्मिनल है एक दूसरे को लूपिंग कर देना है। यानी कि हमको सॉकेट को, यानी ये हमारा सॉकेट है और ये हमारा पंखे का बटन है, इसको हमको एक कनेक्शन देने का है। तो ये हमारा एक कनेक्शन दे दिए हैं देख सकते हैं। और ये हमारा जो 2 वायर जा रहा है ये हमारा पॉइंट का वायर है, एक हमारा लाइट का है यहाँ पे देख सकते हैं, उसका एक वायर है और उसका न्यूट्रल पूरा लूपिंग है। यानी कि एक में कनेक्शन कर दिए हैं, 3 टर्मिनल का जो अपना न्यूट्रल का वायर है इसमें कनेक्शन कर दिए हैं और ये हमारा फेस का इसमें कनेक्शन किए हैं। और हमारा ये जो लाइट है ये हमारा इन्वर्टर पे है, जो पीला वायर दिख रहा है आपको ये हमारा इन्वर्टर का फेस वायर है। यानी कि हम ये बल्ब का पॉइंट ऊपर दिए हैं, इसको बंद करते हैं अभी देख ले रहे हैं आप। ये हमने बंद किया, अंधेरा हो गया देख सकते हैं। ये हमने चालू किया, चालू हो गया, ये हमारा इन्वर्टर का लाइन है। और ये हमारा रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे होता है दोस्तों, रेगुलेटर में 2 वायर होता है देख सकते हैं। और ये हमारा पंखे का जो वायर आ रहा है, न्यूट्रल हमारा लूपिंग रहता है और जो पंखे का वायर आ रहा है ये हमारा फेस है, जो कि हमारा हाफ, इसको हम हाफ बोल सकते हैं। पंखे के एक टर्मिनल के वायर में एक ज्वाइंट मार देना है और जो बटन पे आपको रखना है उसको क्या करना है, हमको ऊपर वाले जो टर्मिनल है दूसरा रेगुलेटर का वायर उसमें कनेक्शन कर देना है। यानी कि यहाँ से आप चालू करेंगे तो रेगुलेटर में कनेक्शन आएगा, फिर उसके बाद इसको कम ज़्यादा करेंगे रेगुलेटर को, देख सकते हैं इसको कम ज़्यादा करेंगे तो रेगुलेटर पंखा है जो वो अपना कम ज़्यादा होएगा। तो हम आपको एक देख सकते हैं पूरा, हम आपको पूरा प्रोसेस बता दिए। तो अगर जो हमारा वायरिंग समझ में आया हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।